भाई वॉकिंग हुई, कम्प्लीट निकल रहे हैं राइडिंग के लिए। तो 8 किलोमीटर की वॉकिंग डन, बच चुके हैं 10। तो अब चलते हैं बढ़िया राइडिंग करने। कहाँ चलते हैं? राइडिंग करने। बोलो राइडिंग करने। राइडिंग करने राम प्यारी में। तो भाई राम प्यारी में राइडिंग करके आते हैं। तो मॉर्निंग ब्लॉग तो बच गए हैं सुबह के 7:30 हो गए हैं भाई, और हम अब जा रहे हैं वॉकिंग के लिए। जो कि आज हमारे यहाँ जो ये है पगली, ये थोड़ा सा लेट आई है सीमा, जिसके कारण हमको लेट हो गया उठने में। सुबह आ जाती है तो नींद खुल जाती है, अलार्म ये भी एक प्रकार से। तो आज ये लेट आई है, तो ये लेट आई है भाई, तो हमको भी लेट हो रहा है, 8:15 हो रहे हैं। तो अब निकलते हैं, सुबह के बज गए 8, हम अब निकले हैं फाइनली घर से वॉकिंग के लिए। तो नींद काफ़ी आ गई आज, तो ये लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा लेट। 1:30 तो कल वापसी आ गए थे हम, तो अब जा रहे हैं देखो NH30 पहुँचने वाले हैं। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। श्री शिवानवस्तुभ्यम, श्री शिवानवस्तुभ्यम, श्री शिवानवस्तुभ्यम, श्री शिवानवस्तुभ्यम, श्री शिवानवस्तुभ्यम। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तो दर्शन हो गए भाई, अब चलते हैं इधर वॉकिंग करते हैं बढ़िया। तो भाई वॉकिंग करते करते यहाँ पे आ गए हम, और लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है हमारी वॉकिंग। तो अभी तो मंजिल बहुत दूर है। और काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई है भाई, आँख भी नहीं खुल पा रही सही से, क्योंकि तो सूर्य देवता जो है एकदम सामने आँख की। तो अभी तो वॉकिंग करना है, करते हैं, देन फिर थोड़ा सा काम है कुछ, तो वहाँ चलेंगे फिर। तो भाई हलवा कचौरा चौक से सीधे जा रहे हैं हम मंगरू कचौरा वाली लाइन में, जो आदेश्वर एकेडमी वाला लाइन है उसी ओर। तो बढ़िया बस चलते हैं। और लगभग 2.65 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे, कुछ दूर और चलेंगे देन फिर रिटर्न हो जाएंगे। राम नानी को बोलना पानी दो मामा जी को। बेटो दोनों एक बराबर है, दोनों जुड़वा है, ट्विंस हैं। तो ये राइडिंग करते करते हम आ गए हैं भाई ट्रैक में फिर से वृंदावन लॉन के आगे, और ये मंजिल दूर है। ये राइडिंग करते हुए भाई हम जा रहे हैं हलो कचौरा चौक से सीधे मंगरू कचौरा भी पार हो गया है, बाबू सेमरा वाले मार्ग पे निकल गए एज इट इज़। तो ऐसे पूरा गोल घूम के चलते हैं बाबू सेमरा की ओर, और उधर से धूर गुड़ा होते हुए निकल जाएंगे। तो राइडिंग करते करते बस इस लोकेशन में, एंड इतना ज़्यादा धूप है भाई कि पूरा ब्लैक हो जा रहा है वीडियो। तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी जैसे पड़ रही है उस हिसाब से, जो काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, 10:15 होने वाले हैं। एंड हम अभी राइडिंग में नहीं निकल रहे थे, बट इस तरफ कुछ काम था हमें वापसी में, तो हम बोले कि जब जा ही रहे हैं तो साइकिल में ही चलते हैं, राइडिंग भी हो जाएगी काम भी हो जाएगा। तो काम वाला जो बंदा था वो आधे घंटे बाद आता हूँ बोला, सोया हुआ है भाई, तो तब तक राइडिंग कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं, फिर चले जाएंगे घर। हम मुड़ गए भाई बाबू सेमरा से धूरगुड़ा वाले मार्ग में, और जा रहे हैं बस। तो यहाँ से वापसी के दौरान हो जाएंगे 13 किलोमीटर, बाकी देखेंगे उसी तरफ करेंगे, क्योंकि काम है उसी तरफ, तो जब तक बंदा नहीं आएगा तब तक अपना राउंड मार लेंगे। Thank you.
कई होगी भाई जो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दूर है। देख रहे हो गांव की बुजुर्ग छत्ते में तीन चार दिन से बारिश नहीं हुई है भाई, तो मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम सीधा निकलते हैं, शाम को ही निकलते हैं ठंडे ठंडे में भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, देन फिर उसके बाद सन्नी के यहाँ थोड़ी देर बैठने एंड देन मले के यहाँ चले जाते हैं थोड़ी देर 15-20 मिनट। तो अभी तो भाई वाकई में इतनी गर्मी है कि लॉन्ग राइडिंग कभी सोच ही नहीं सकते, तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ गई तो फिर क्या राइडिंग, सब गैप हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ही करो, खुश रहो। फिलहाल यहाँ पहुँच गए हम और बस यहाँ से जाएंगे पूरा टर्निंग लेते हुए मंगड़ू का चौरा से होते हुए हाटपुड़ा में ही हमें काम है भाई, जिस तरफ प्लॉट देखने उस तरफ उस दिन गए थे उसी ओर। तो ये पहुँच चुके हैं, देखो धूरगुड़ा के लास्ट हाटपुड़ा ही है। ये जो ट्रक खड़ा इस तरफ से सीधा जाएंगे, इस तरफ से नहीं जाएंगे भाई, इस रोड से जाएंगे तो लगभग ये 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 10 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे। तो ये पहुंच गए टर्निंग पॉइंट भाई, हम अब इस तरफ तो नहीं जाएंगे, अभी सीधा ही चलेंगे पूरा 1 किलोमीटर का लंबा ट्रैक, देन पहुंच जाएंगे हाटपुड़ा, फिर हाटपुड़ा से इधर घूम जाएंगे, फिर एक राउंड ऐसे ही निकल जाएंगे। तो क्योंकि जब तक बंदा नहीं आता तब साइकिलिंग हो जाएगी हमारी। पहुँच गए हैं भाई हाटपुड़ा प्लॉट के पास, थोड़ा सा 200 मीटर पहले 300 मीटर पहले बस वेट कर रहे हैं बंदों का, वो आ जाएं तो उनको दिखाएं तो हम निकलें भाई, क्योंकि बहुत धूप हो गई है अब हमको नहीं हो रहा है साइकिल चलाने। तो भाई राइडिंग करते करते हम आ गए गणपति वाले मार्ग में और इसी तरफ से जा रहे हैं घर की ओर, और लगभग 15 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे, तो घर पहुँचने तक आई थिंक 18 हो जाने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो गई, 11 बजे से ज़्यादा ही टाइम हो गया, 11:30 हो रहे हैं टाइमिंग, तो घर पहुँचते होने वाला आई थिंक हो जाएगा। तो भाई पहुँच गए, भाई हम पहुँच गए लाल बाग से, अब जा रहे हैं घर की ओर। प्लॉट दिखा दिए भाई, आज तो हालत ख़राब हो गई है भाई, फटाफट चलें बस नहाएं ठंडे पानी से और फिर कुछ खाएँ, भूख कही क्योंकि तगड़ी। 11:45 तो चलते फटाफट नहाते हैं बढ़िया और फिर कुछ खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं भाई, नहीं हो पाएगा बिना ठंडा पानी के, तो ठंडा पानी नहीं भाई गर्म पानी पीना है, तो नहा लेते हैं पहले फिर पीते हैं पानी वानी बढ़िया। भाई पूजा हो गई कम्प्लीट, बज चुके हैं 12:30 और हमारे भगवान जी, जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो बढ़िया पूजा हो गई, मोबाइल को लगाते हैं चार्ज में, नाश्ता करते हैं, नाश्ते में बन रहा है उत्तम, बहुत भूख लगी है तो मस्त नाश्ता कर लेते हैं। घी चाय एंड पदीने की चटनी स्पेशल नाश्ता हो गया भाई कंप्लीट, हम आ गए आराम करने, बच चुके हैं एक, कुछ देर आराम करते हैं फिर जाना है एक जगह काम है हम फिर से, तो काम करेंगे फिलहाल आराम करते हैं। तो ऐसे ही चल रही लाइफ एकदम बेकार लाइफ चल रही है, अभी सही नहीं चल रही लाइफ बिल्कुल। लिंगेश्वर महादेव, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, श्री शिवाय नमस्तु, 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 जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय नंदी महाराज। ओ भोलेनाथ के दर्शन हो गए भाई, अब चलते हैं घर, और बाहर बहुत सारे डॉगी हैं भाई, तो डर लग रहा है थोड़ा। तो मंदिर से तो आ गए भाई और बाहर खड़े हैं घर के, क्योंकि जाना एक जगह काम से, तो वो इनके साथ जाना है, वो आए नहीं अभी तक, तो उनका कॉल आएगा तो हम निकलेंगे। फिलहाल घर के बाहर ही खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे क्योंकि जा रहे हैं तो नींद आ जा रही है, तो अभी सो जाएंगे तो रात को दिक्कत हो जाएगी भाई सोने में, टाइम हो गया 5:30 शाम के। तो फिलहाल खड़े हैं बस, वेट कर रहे हैं कॉल का, कॉल आए तो जाएंगे फिर हम। 9 और हम ये हमारे लड्डू महाराज, तो हम आ गए घर और नहा लिए बढ़िया शावर लेनी है, तो चलते हैं कुछ खाते हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।
जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। तो चलते हैं भाई खाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। हाँ वेरी गुड। तो चलते हैं भाई खा लेते हैं। काम करने बज चुके हैं 10:15। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप गाइस आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे न्यू ब्लॉग साथ। तब तक जय श्री राम, जय भोले शंकर।